जगदलपुर में रैली की शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि मसीह संगठन के तमाम पदाधिकारी जो फूल माला पहने हुए हैं वे आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही जितने भी लोग बस्तर के चारों दिशाओं से यहां पर इकट्ठे हुए हैं वे रैली में शामिल होकर धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह रैली जगदलपुर शहर के सभी मुख्य मार्गों से होते हुए वापस इसी स्थान पर आके खत्म होगी। आप देख सकते हैं कि इधर चारों तरफ ट्रकें भी पूरी तरह से सजी हुई है, गाजे बाजे के साथ लोग प्रभु की महिमा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ दूर आगे वहाँ सेंटा क्लॉज का वस्त्र धारण करके कुछ लोग नाचते गाते हुए उसकी महिमा कर रहे हैं। आप इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने की संख्या में यह भीड़ होगी। बेहद ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर तमाम मसीह संगठन के लोग, तमाम मसीह विश्वासी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और प्रभु की महिमा कर रहे हैं। लोगों का कहना है और हम आपको बताते हैं कि यह जो रैली है इसका उद्देश्य है प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना, उसकी स्तुति करना, अमन और शांति का माहौल बना रहे। चारों तरफ इन दिनों मसीह विश्वासियों के साथ मारपीट की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। उन सारे चीज़ों के लिए, तमाम बातों के लिए इस रैली में विशेष प्रार्थना भी की जा रही है लगातार, ताकि उन सताने वालों को प्रभु सद्बुद्धि और ज्ञान दे। और हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो मसीह लोगों को सता रहे हैं वो भी प्रभु यीशु मसीह को मानेंगे और उसके पवित्र भवन में आकर घुटने टेकेंगे। ये जो चर्च आपको दिख रही है इसका नाम चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च है, जिसके ग्राउंड में आज यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं और यहाँ से उपस्थित होकर सभी आगे बढ़ते जाएंगे। यह चर्च बहुत ही पुराना है, अंग्रेज जमाने का यह चर्च है और इसी कारण से यह बहुत बड़ा चर्च और ऐतिहासिक होने की वजह से सभी प्रतिवर्ष इसी स्थान पर आकर इकट्ठे होते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम इस रैली में शुरू से अंत तक आपको अलग अलग चीज़ें दिखाएंगे, नाचते गाते हुए लोग आपको दिखाएंगे, तो आप बने रहिए, हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं।
गाड़ियों में, लेकिन आप देख सकते हैं कि युवतियां यहां नाचते गाते हुए इसकी महिमा कर रहे हैं। आप देखिए बैंड बाजा लेकर यहां पर उत्साह मनाने के लिए जो मसी लोग हैं वो आए हैं। देखिए इस वाद्य यंत्र को देखिए, हम भी इनके साथ चलेंगे। बेहद खूबसूरत इनकी ध्वनि है और बेहद ही सुंदर तरीके से अपने ये इस वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं। बस्तर संभाग के अलग अलग जगहों में सतावा की स्थिति भी बनी है, क्या उनके लिए विशेष प्रार्थना की जा रही है? उसके लिए भी विशेष प्रार्थना की जा रही है हमारे पास्टर लोगों के द्वारा। हमारे साथ मसीह समाज के पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितने वर्षों से रैली निकाल रहे हैं? लगातार 20 वर्षों से मसीह समाज की यह रैली निकल रही है और क्रिसमस के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष निकाली जाती है। पूरे मसीह समाज में अपार उत्साह है और सारे विश्वासी यहाँ भाग ले रहे हैं। आज की रैली में भी 15,000 से 20,000 लोग बड़े उत्साह उमंग के साथ भाग ले रहे हैं। कितने क्या उद्देश्य है मेन रैली का? मुख्य उद्देश्य है समस्त शहर वासियों को प्रभु यीशु मसीह का प्रेम क्षमा का संदेश देना और हमारे साथ हम क्रिसमस की और नए वर्ष की खुशियों में सारे शहर वासियों को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन भी यह सिखाता है तुम अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्यार करो। इसी उद्देश्य से यह रैली निकाली गई है और शहरवासियों को यह संदेश दिया जा रहा है। शाम 4 बजे से शुरू हुई यह रैली जगदलपुर के मुख्य मार्गों से होते हुए इस समय झनकार टॉकीज के चौक पर पहुंच चुकी है और ये भीड़ आप देख सकते हैं, सभी नाचते गाते हुए उसकी महिमा कर रहे हैं। हर एक लोग यहाँ पर है, नाचते गाते हुए उसकी महिमा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित है। आप बाइबिल शास्त्र भी देख सकते हैं, लोग ये भी सुसमाचार सुनाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप मेरे इस चेहरे को देखिए, चेहरे में पसीने से तर बतर हो गया हूँ। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना उत्साह है हर एक लोगों में। हर एक लोग नाचते और गाते हुए उसकी महिमा कर रहे हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की। शीतल पवन बही गलानी, अरे साई 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 साई।
बजा के मुसा बजा के राजी दे नाचते गाते हुए हर्षोल्लास के साथ जगदलपुर शहर के सभी मार्गों में रैली निकालने के बाद आखिरकार इस रैली का समापन चंदैया मेमोरियल मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च ग्राउंड में हो गया है। यदि आपको लगता है कि बस्तर से ऐसी चीज़ें हमेशा निकलकर सामने आनी चाहिए और बस्तर से जुड़ी बातें आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पाएँ, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।